ताज्जुब की बात यह है कि हर कैटेगरी में विराट कोहली तो जरूर है इंडिकेट की अगर बात करें। जर्नलिस्ट भी कहते रहे कि आईसीसी इज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इट्स इंडियन क्रिकेट काउंसिल। अगर आप आईपीएल के परफॉर्मर हैं तो फिर आप जो है इंडियन वर्ल्ड की टीम में या जितनी भी इधर की आप टीमें बनाए उसके अंदर आप शामिल हो जाएंगे। बात करेंगे जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दिहाई के बेहतरीन क्रिकेटर्स के अवार्ड के लिए नामजद किया है खिलाड़ियों को और उसकी कैटेगरीज बनाई हैं, तो ताज्जुब की बात यह है कि हर कैटेगरी में विराट कोहली तो ज़रूर ने इंडिकेट की अगर बात करें, लेकिन बाबर आजम का पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है लेकिन उनको प्लेयर ऑफ दी डिकेड में शामिल नहीं किया। अब तो मोहसिन जर्नलिस्ट हैं उनके वो भी तारीफ कर रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही हमें ये चीज़। अब या तो टैग लगा दें आप, जिस तरह हमारी प्रोग्राम में फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये बात कहते रहे हैं, जर्नलिस्ट भी कहते रहे हैं कि आईसीसी इज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इट्स इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो अगर आपने वाकई मतलब बाबर आजम को इतनी अच्छी पिछली पांच सालों में कारकर्दगी और तमाम जो फॉर्मेट्स हैं उसमें टॉप फाइव में बैट्समैन में शामिल है, अगर नहीं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। करना शामिल तो शायद इंडियन क्रिकेट काउंसिल इसको नाम दे दिया जाए। और बहुत सारे आपने सही कहा कि हमारे प्रोग्राम में लोग ये बात करके कहें कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। सर क्या हो रहा है ये? हम तो अभी बात कर रहे थे कि कराची से लड़के टीम में नहीं आ रहे लेकिन जो पाकिस्तान टीम में लड़के खेल रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो डिकेट बना रहा है उसकी नॉमिनेशन में नहीं आ पा रहे। अच्छा देखिए, आपने अभी कहा कि सीनियर प्लेयर्स और जो हमारे सीनियर साथी उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई आपको हैरत अंगेज बात भी नहीं है, इसमें आपको परेशान भी होना चाहिए कि इंडिया एक पावर हाउस है फाइनेंशियल और वो आईसीसी को जिस तरह चाह रहा है डिक्टेट कर रहा है। चले मैं एक बात और आगे लेके चलता हूं कि अगर आप आईपीएल के परफॉर्मर हैं तो फिर आप जो है इंडियन वर्ल्ड की टीम में या जितनी भी इधर उधर की आप टीमें बनाए उसके अंदर आप शामिल हो जाएंगे। तो अब जैसे पाकिस्तान टीम में आने का क्राइटेरिया ये हो गया कि आपको पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करना है, वैसे ही अब ये क्राइटेरिया बन गया कि जनाब आप आईपीएल में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा चांस होगा कि आप आईसीसी की टीमों में भी आएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे इंडियंस काफी फॉलो करते हैं हमें, तो ये बात कंफर्म है कि अगर आईपीएल में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप आईसीसी की टीम ऑफ द ईयर या आईपीएल के बाद विराट कोहली को तला लोग कह रहे हैं कि कप्तानी से हटाओ आरसीबी की। इसमें बहुत एक वेटेज है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% जो आईपीएल में परफॉर्म करता है वो टीम के अंदर आ जाता है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वेटेज है और इसमें आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ज्यादा शामिल करें। इंडियन क्रिकेटर्स तो चाहिए, उनका अपना एक निजाम है, हमने उसकी काफी तारीफ की है, डोमेस्टिक में वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। और जहां तक बाबर आजम की बात है भाई, तो अब तो मेरे ख्याल में यही रह गया कि बाबर आजम जो है दांत से नारियल तोड़े, शायद फिर आईसीसी को उसकी परफॉर्मेंस नजर आ जाए, वरना उसने जिस तरह परफॉर्म किया है जितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है उसकी एवरेजेस देख ले। और विराट कोहली इतनी विनिंग टीम्स का हिस्सा नहीं रहे टूर्नामेंट्स के स्पेशली जितना बाबर आजम रह चुके हैं और परफॉर्म कर, अब आई डोंट नो अब क्या किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आया बात है, इसमें कोई हैरत अंगेज बात नहीं होनी चाहिए कि इंडियन बोर्ड जो है अपने फाइनेंशियल मसल की बदौलत आईसीसी को रूल करता, और मेरे ख्याल में वो करता रहेगा जब तक इसको अल्टरनेट नहीं आएगा। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में बाबर आजम को इंक्लूड ना करके खुद इंडिया के अंदर से बहुत सारे लोग जो हैं वो भी हैरतजदा हो जाएंगे, यार ये कुछ आईसीसी ने कुछ ज्यादा ही कर दिया हमारी मदद से। ठीक है, आईसीसी ने कुछ ज्यादा ही कर दिया कि बाबर आजम को किसी भी मतलब ना T20 में है ना ODI में है ना टेस्ट में है तो किसी में भी नामजद नहीं किया गया। जावेद साहब, डस्ट मेक सेंस के एक आदमी जो इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और सबसे बड़ी बात आप देखें कि विराट कोहली की आप इतनी तारीफ करते हैं, बाबर आजम भी उसी कैटेगरी का है जो प्रॉपर क्रिकेटिंग चॉप्स खेलता है, बिल्कुल उसी कैटेगरी का बाबर आजम भी है जिस तरह विराट कोहली का। और खासतौर पर वसीम अकरम ने भी रिसेंटली ये बात कही थी कि मवाजना जो है वो अशर हम आपकी जाने आएंगे, मवाजना किया जा सकता है विराट कोहली और बाबर आजम का। जावेद साहब क्या ऐड करेंगे, बाबर आजम तो किसी भी फॉर्मेट में नहीं है, हाँ टेस्ट में यासिर शाह जगह बनाने में कामयाब हो गए, ऑफ कोर्स उन्होंने टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन बाबर आजम? देखिए मैं पार्टली अशर साहब की बात से इत्तेफाक भी करता हूँ, लेकिन एक साथ में एक अपोजिंग व्यू भी है मेरा। जी बिल्कुल, मेरा व्यू ये है कि आप एक या दो साल इंतजार करें, अभी हम बहुत ज्यादा नाइंसाफी का चर्चा ना करें। क्या होंगी गलतियों के चक्कर में कहीं मिसबा साहब का आखिरी अहदा जो रह गया वो भी ना चला जाए, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन हम बिग थ्री का असरअंदाज होना, जो कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और इंडिया, उसका आईसीसी पर असरअंदाज होने की बात करते हैं, तो उसमें ज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया भी है, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन असरअंदाज होगा? अशर, ऑस्ट्रेलिया का टूर करें है इंडियन क्रिकेट टीम और वहां पर काफी मुश्किलात उनको हो सकती हैं, और खासतौर पर डेविड वार्नर, उनका भी हालिया बयान आया कि अगर मेरे साथ कोई अब्यूजिव लैंग्वेज किसी ने इस्तेमाल की या कोई लफ्जी वार करने की कोशिश की तो मैं अपना जवाब जो है अपने बल्ले से दूंगा। और आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ 300+ उन्होंने किया था, तो रेडी तो वो भी हैं फिर इंडिया के लिए, तो कितनी मुश्किलात हो सकती हैं इंडियन क्रिकेट टीम को?
अच्छा पहली बात तो ये कि डेविड वार्नर ने टाइगर वुड्स के मशहूर जमाना अल्फाज यूज किए हैं। टाइगर वुड्स जो कि आप जानते हैं स्याह फॉर्म थे, तो उन्होंने जुमला किया था। अच्छा मजे की बात यह कि आप लोग देखें कि ये बात उस मुल्क का प्लेयर कह रहा है जो मशहूरी स्लेजिंग के लिए, मतलब ऑस्ट्रेलियंस ने तो किसी को नहीं छोड़ा कि जो भी उनके यहाँ आता था वो उसको इतनी स्लेजिंग करते थे कि बेचारा प्लेयर्स रोज आते थे। लेकिन यहाँ मैं घूम फिर के अपनी उसी बात पे आऊंगा कि अगर आपने ज्यादा डेविड वार्नर बातें की तो उसको पता है कि अगले साल आईपीएल दोबारा है और बहुत ज्यादा दूर नहीं है, विंडो अप्रैल के अंदर वो होगी, तो जरा वो भी तहम्मुल से बात कर रहे हैं, वरना ऑस्ट्रेलियंस का मिजाज नहीं, ऑस्ट्रेलियन सबसे बदतमीज क्रिकेटर्स दुनिया में मशहूर हैं, तो ये बात देखिए। और अभी मैं काफी मौसम ने भी मुझे काफी चीजें भेजी थी तो मैं स्टडी कर रहा था। देखिए मुकाबला तो होगा ये पड़ाटा, और मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को जितने भी स्कोर सेटल करने हैं इंडिया के खिलाफ वो यही मौका है, उनके पास स्मिथ भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे इंडिया की जो बॉलिंग पावर है वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा अटैकिंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल आप इंडिया की बॉलिंग पावर की बात करें, लेकिन उन्हीं के कोच जो रवि शास्त्री हैं उन्होंने अपनी खुद ही मुश्किलात बता दी है कि हमें क्या क्या मुश्किलात होंगी। ये भी एक कल्चर है कि एक कोच खुद बता रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा या ईशांत शर्मा का ना होना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल का बायस बनेगा। तो अशर इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो जावेद मियादादीन जिस तरह उन्होंने कहा था कि हमारे कोच जा रहे हैं बाहर, कोई कॉपी पकड़ा हुआ है, कोई पेंसिल पकड़ के बैठा हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? भाई देखिए जावेद भाई का बिल्कुल एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। आपको याद होगा जब ये पहली दफा कोच बने थे और आजहानी बॉब वुलमर को हटाया गया था, जावेद भाई मेरे ही प्रोग्राम में बैठ के कहते थे कि लैपटॉप की क्रिकेट नहीं चलेगी, तो उनका एक अपना स्टाइल है काम करने का। तो वो कहते हैं, देखिए जावेद भाई स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर थे, तो वो गली से सीख के आए थे और वही वाली टैक्टिक्स इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आती रही थी। रवि शास्त्री ने बिल्कुल सही बात की, और मेरे ख्याल में जब एक कोच को पता होता है ना कि मैं इस टूर पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है लेकिन कहीं पर मार पड़ सकती, तो वो पहले ही दो तीन जुमले कह के अपने आप को सेफ साइड पे कर लेते हैं कि फला। लेकिन वही बात है, अगर आप अब एक रोहित शर्मा है तो आप राइजिंग स्टार है, और रोहित शर्मा नहीं है तो आप ऐसी दरिदरी बातें कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आप बहुत बड़ी टीम नहीं है। आप एक प्लेयर के चलने पर, वो भी अपनी फेवरेबल कंडीशन में चलने पर इतनी बड़ी बातें करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को दौरे ऑस्ट्रेलिया पर मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जावेद साहब पाकिस्तान न्यूजीलैंड का दौरा कर रहा है, ये वही न्यूजीलैंड है जिसके अगेंस्ट इंडिया ने भी दौरा किया था कोविड-19 के लॉकडाउन से पहले, और जब सीरीज उसके बाद जाहिर रुक गई थी। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।